हेलो एवरीवन, मैं शाहिद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेजिशियन शो में। इस वीडियो में हम लोग एक नया ट्रिक सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये नंबर आपके सामने है और इन सभी नंबर का मैं स्क्वायर रूट फाइंड करके तुरंत 5 सेकंड के अंदर दिखाऊँगा। उसके बाद मैं आपको वो ट्रिक बताऊँगा जिस ट्रिक का इस्तेमाल करके मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितने कम समय में बहुत ही आसानी से मैंने उस ट्रिक का इस्तेमाल करके ये स्क्वायर रूट फाइंड किया है। तो मैं वो ट्रिक आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। ये नंबर है 998.56। थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये नंबर है 99856। डिसिमल को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं। अब इस नंबर के वंस प्लेस पर है 6। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे 6 हो और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसका स्क्वायर रूट निकालने पे वंस प्लेस पे या तो 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड नंबर को छोड़ दीजिए। अब हम लोग देखते हैं 998 यानी 998। 998 कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? तो 998 आता है 31 के स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो हमेशा छोटा वाला नंबर आंसर में लेना है, तो छोटा वाला नंबर है 31। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 31। तो हमारा आंसर या तो होने वाला है 314 या 316। ठीक है, तो एक और चीज़ अब एक देखना है क्या कि 998 किस नंबर के नज़दीक है, यानी इसके या इसके किसके नज़दीक है। तो 998 नज़दीक है 1024 के, तो इसीलिए हम लोग नीचे वाला नंबर को लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा 316। लेकिन हम लोगों का ये नंबर नहीं था, बल्कि हम लोगों को इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था, तो इसीलिए हमारा आंसर होने वाला है 31.6। अगर किसी नंबर के स्क्वायर में डिसिमल के बाद 2 प्लेस हो, तो उसके स्क्वायर रूट में डिसिमल के बाद 1 ही प्लेस नंबर होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हम लोगों का कन्फ्यूज़न और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये नंबर है 1.8225। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ डिसिमल नहीं है और ये नंबर है 18225। ठीक है, इस नंबर के वंस प्लेस पे है 5। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे 5 हो, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके वंस प्लेस पे 5 ही आएगा। ठीक है, तो वंस प्लेस पे हमारा नंबर होने जा रहा है 5। अब हम लोग सेकंड नंबर को छोड़ देते हैं और बाकी का नंबर देखते हैं। बाकी का नंबर कितना है? 182। तो 182 किस दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? तो 182 आता है 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पहले ही जानते हैं कि छोटा वाला नंबर हमारा आंसर होगा, तो इसीलिए हम लोग 13 को ले लेंगे। यहाँ दूसरा कोई नंबर है ही नहीं, तो इसीलिए हमारा आंसर यही होगा 135। लेकिन हम लोगों को इस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकालना था, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था, इसीलिए हम लोगों का आंसर होगा 1.35। यहाँ डिसिमल के बाद 4 नंबर है स्क्वायर में, तो इसके स्क्वायर रूट में डिसिमल के बाद 2 नंबर होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग आखिरी एग्जांपल देखते हैं, जिससे हम लोगों का कन्फ्यूज़न पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ये नंबर है 56169, इसके वंस प्लस पे है 9। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके वंस प्लस पे 9 हो और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसके स्क्वायर रूट में वंस प्लस पे या तो 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, दूसरा नंबर छोड़ दीजिए। अब बाकी नंबर है 561। तो 561
कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? तो 561 आता है 23 के स्क्वायर और 24 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो हम लोगों को पहले से पता है कि हम लोगों को छोटा वाला नंबर लेना है, तो छोटा नंबर है 23 लेंगे तो हमारा आंसर या तो होगा 233 या होगा 237, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 561 किस नंबर के नज़दीक है, तो 561 नज़दीक है 576 के, यानी बड़ा वाला नंबर के, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 237। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग ये ट्रिक सीख गए होंगे, इसलिए मैंने ये तीन क्वेश्चंस लिखे हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।